भोजपुर की ऐसी घटनाएं जो आपका दिल दहला दे। ऐसी खबर जो सबको हिला दे, जो हर पहलू से कराता हो रूबरू, जो सबके लिए हो खास, जो बताए भोजपुर की संस्कृति और साथ में भोजपुर का इतिहास। भोजपुर का दर्पण, भोजपुर दर्शन। भोजपुर दर्शन, आपकी बात आपके साथ। नमस्कार, भोजपुर दर्शन में आपका स्वागत है और मैं हूँ कृति। विगत दिनों छात्रों पर हुई लाठी चार्ज के विरोध में युवा राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं कुलपति का पुतला दहन किया गया। अरे नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्र नेता पर हुए लाठी चार्ज का जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीसी को जनता दल ने विश्वविद्यालय मुख्यालय गेट पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और PKSU के कुलपति नंदकिशोर साहा का पुतला दहन किया है। हम लोग पुतला दहन के माध्यम से ये बात बतलाना चाहते हैं कि जिस तरीके से कल सीनेट के विरोध में हमारे छात्र नेताओं के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ है, उसका हम लोग कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हम लोग ये मांग करते हैं कि जो पुलिसकर्मी लाठी चार्ज किए हैं उन लोगों पर तत्काल सस्पेंड उन लोगों को किया जाए, उन लोगों को चिन्हित करके ये पूरे स्तर पर ये जांच का विषय है, इसकी जांच कराई जाए और जो दोषी जो पुलिसकर्मी है उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए, ये हमारी डिमांड है। और हमारा दूसरा डिमांड है कि जो निरंकुश कुलपति ये जो विश्वविद्यालय में बैठा हुआ है, जो निकम्मा कुलपति विश्वविद्यालय में बैठा हुआ है, हम लोग तत्काल इनके इस्तीफे की मांग करते हैं कि ऐसा लाठी चार्ज करने वाला कुलपति इस विश्वविद्यालय को नहीं चाहिए। आप यहाँ से इस्तीफा दीजिए और यहाँ से जाने का काम करिए। आप आलोक रंजन, प्रदेश उपाध्यक्ष, छात्र राष्ट्रीय जनता दल बिहार। वहीं दूसरी तरफ विगत दिनों छात्रों पर हुई लाठी चार्ज के विरोध में विश्वविद्यालय में छात्र संघ के द्वारा रजिस्ट्रार DSW और कुलपति का पुतला दहन किया गया। राम नाम सत्य है, 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 राम ना
चार्ज करना बंद करो बंद करो बंद करो नंद किशोर साहब का बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो छात्र का जिंदाबाद कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के स्थापना काल से लेकर के अब तक के इतिहास काल में सबसे काला अध्याय है कि अधिसदीय लोकतंत्र में पहली बार छात्र संगठनों की जीत हुई। विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्र संगठनों की मांग के आगे घुटने टेकना पड़ा और दुम दबा करके भागना पड़ा। हम लोग यही कहेंगे आज के इस पुतला दहन करके विश्वविद्यालय प्रशासन को और राज्य सरकार से लेकर के राजभवन को हम लोग ये कहेंगे कि वर्तमान व्यवस्था में जिस प्रकार ये विश्वविद्यालय में अराजकता का माहौल कायम है, ऐसे में वर्तमान विश्वविद्यालय प्रशासन को बर्खास्त करके शैक्षणिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस कुलपति को अविलंब हटा करके नया कुलपति दिया जाए, तब जाकर के हमारी सभी संगठने बात करेगी और उनके मुद्दों को जब तक नहीं सुलझाया जाएगा तब तक हम लोग इस व्यवस्था को नहीं चलने देंगे। चूंकि ये वर्तमान व्यवस्था जो है बिल्कुल ही निरंकुश व्यवस्था है, छात्रों के लिए वो हितैषी नहीं है, वो छात्रों को अपराधी समझती है। इस सब के विरोध में हम लोग सामूहिक रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन के तमाम पदाधिकारी, कुल सचिव हुए, कुलपति हुए, DSW हुए, इनका हम लोग पुतला दहन करके अपना एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन जाहिर किए और आज का दिन विश्वविद्यालय के इतिहास के लिए काला दिन के रूप में याद किया जाएगा। कल उन्होंने सांकेतिक रूप से इशारा किया था कि वो यहाँ से चले जाएंगे, त्याग पत्र देंगे। आज के वो 1.5 साल जितना उनका कार्यकाल रहा वर्तमान प्रभारी कुलपति महोदय का, वो छात्रों की संवादहीनता के कारण, छात्रों से सामंजस्य नहीं होने के कारण उनकी जो गतिविधि रही वो एंटी सोशल रही, एंटी स्टूडेंट रही। इसके कारण वो रोज कहते हैं कि मैं छोड़ करके चला जाऊंगा, लेकिन वो जाते नहीं हैं। वो ऐसे ही कह करके रोज यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के समाज को, इस शैक्षणिक पृष्ठभूमि को गुमराह कर रहे हैं। नवीन शंकर पाठक, विश्वविद्यालय संयोजक, NS। जो रूप देखने को मिला विश्वविद्यालय के इतिहास में 28 सालों के बाद, ये काला दिन है। जो छात्रों के हित में सिनेक्ट होना चाहिए था वो विश्वविद्यालय के प्रशासन अपने हित में कराने के लिए, जो छात्रों ने सही और उचित मांग को लेके जो हर साल की भांति सीनेट घेराव करते थे, उसी तरह छात्र संघ और सभी छात्र संगठन के लोग अपने मांगों को लेके सीनेट घेराव करने के लिए कल भी उस स्थल पे आने दिया गया। लेकिन स्कूलपति महोदय की जो मानसिक स्थिति, संतुलन बिगड़ गई है। जो विश्वविद्यालय प्रशासन में चलाना तो दूर की बात, वो छात्रों को छात्र संबोधन नहीं करते हैं, छात्रों को आतंकवादी से संबोधन करते हैं और छात्रों पे लाठीचार्ज करवाने का कार्य करते हैं। ऐसे भ्रष्ट कुलपति महोदय का कहने में तनिक भी शर्म नहीं लगता कि ऐसे गिरी हुई मानसिकता के शिक्षकों का इस विश्वविद्यालय में कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये विद्या का मंदिर है, यहाँ पे छात्रों के हाथ में जो किताब और कलम होनी चाहिए वो हमेशा फॉर्म लेकर लाइन लगा के खड़े होते हैं। ये सरासर कुलपति महोदय की ही देन है और इसके साथ देने वाले हमारे जो आर्मी रूल के फॉलो कर रहे हैं और हम छात्रों को पाकिस्तानी समझने वाले कुल सचिव महोदय से मैं आगाह करना चाहता हूँ कि हम इसी भारत लोकतंत्र के छात्र है और ये विश्वविद्यालय का परिसर हमारा है, हम विश्वविद्यालय के छात्र है और ये परिसर में हमारे हक की बात होनी चाहिए, न कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों की हक की बात होनी चाहिए। उस उद्देश्य को जिन्होंने वो सपना साकार करना चाहा, हम सभी छात्र संगठनों ने मिलकर उस सपने को चूर चूर किया और आगे भी ऐसी कुवृत्ति दृष्टि रखने वाले विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रशासकों का इसी तरह ध्वजाशाही किया जाएगा। ये छात्र संघ, तमाम छात्र संगठनों का ऐलान है और उसके बावजूद में ये आज पुतला दहन हुआ और जब तक ये दोनों तीनों लोग इस्तीफा नहीं देते हैं ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा और इसमें जब तक छात्रों के एक एक हक की बात नहीं मान ली जाती है तब तक इस विश्वविद्यालय परिसर में कोई भी सीनेट बैठक, कोई भी सीनेटर चुनाव नहीं होगा। ये छात्र संघ का ऐलान है। मैं अमित कुमार सिंह, बीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का स्थापना काल से अभी तक के जितनी बार सीनेट की बैठक की गई, ये 2019 के सीनेट के बैठक में पहली बार सभी छात्र संगठनों पर लाठी चार्ज कराया गया और माननीय कुलपति महोदय को मैंने 2 दिन पहले
मैंने उनका आह्वान किया था कि अगर सीनेट में अगर छात्र संघ के प्रतिनिधियों को अगर आप जगह नहीं दीजिएगा, उनका वोट का अधिकार नहीं दीजिएगा, तो हम क्या कहलाता है सीनेट का विरोध करेंगे। लेकिन माननीय कुलपति ने जो कहा था कि मैं तानाशाह पूर्व से ही तानाशाह रहा हूं और बीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय में भी अपना तानाशाही दिखाऊंगा, लेकिन जो हमने उनको जो वादा किया था कि आपको अगर सीनेट नहीं चलने देंगे तो हमने करके दिखाया और जंग छिड़ गया है। और पुतला दहन करके ये हमने चेतावनी दिया है कि अगर विश्वविद्यालय अगर वो जल्द से जल्द इस्तीफा नहीं देंगे तो विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन करेगी। हमारे छात्र संघ और पूरे छात्र संगठन द्वारा किया गया जो कि कल सीनेट के घेराव में जो कि हमारे छात्र संघ और छात्र संगठनों के द्वारा जो विवि प्रशासन द्वारा निजी गार्ड से बेहदर से बर्बर से पिटाई की गई है, इसका निंदनीय करते हैं। और जो भी प्राइवेट गार्ड किया है, जो विवि प्रशासन करवाया है, इसको हम तुरंत बर्खास्त करने का मांग करते हैं। अगर बर्खास्त नहीं होता है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और इतना ही नहीं राजभवन भी घेराव करने का काम करेंगे। हमारे छात्र संघ इसके आह्वान करता है जब तक लोग बर्खास्त नहीं होंगे हम लोग विश्वविद्यालय खोलने का काम नहीं करेंगे। सुशील सिंह टाइगर, छात्र संघ प्रतिनिधि, बीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, सह जदयू ने। समाचारों में अभी और भी है, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए भोजपुर दर्शन। आंख नहीं तो संसार नहीं, आंखों का संपूर्ण जांच आधुनिक मशीनों एवं कुशल डॉक्टरों के द्वारा कराने के लिए आपका अपना एसआर हॉस्पिटल, जहां उचित मूल्य पर साल भर फेको मशीन के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आंखों की पर्दा की फंडस फोटोग्राफी की आधुनिक मशीन, स्वच्छ एवं वातानुकूलित व्यवस्था के साथ ही वार्ड की भी सुविधा, संपूर्ण आंखों के इलाज के लिए संपर्क करें एसआर हॉस्पिटल, डीएम कोठी रोड, पीर बाबा मोड़ के पास आरा। संपर्क नंबर है 06182248789, मोबाइल नंबर है 9065441442। शादी विवाह के शुभ अवसर पर हॉलमार्क ज्वेलरी सोना चांदी के फैंसी गहनों के साथ आकर्षक साड़ियों के विक्रेता लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एवं साड़ी वाला, जेल रोड मैना सुंदर धर्मशाला के पास आरा, जहां एक ही छत के नीचे अब गहनों के साथ कपड़े भी खरीदें। डायमंड ज्वेलरी एवं ब्रांडेड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन किए हुए गहनों की खरीदारी एकमात्र भव्य शोरूम में, जिसका नाम है लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एंड साड़ी वाला, जिसका पता है मैना सुंदर धर्मशाला के पास जेल रोड आरा। मैं तैनू समझा ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10 विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा। बासु ITI, NCVT, DGET से मान्यता प्राप्त, आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2-व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4-व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत। इलेक्ट्रीशियन, हीटर, डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI, कुलहरिया आरा भोजपुर, मोबाइल नंबर 9430032301, 9334192301। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी, लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स, आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने, चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के जेवर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता। हीरे के जेवरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स गोपाली चौक। के उज्जवल भविष्य के लिए अंत वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त
करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय महादेवा रोड आरा। बंधुओं कृपया ध्यान दें, रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा, जहां निशुल्क मुंह एवं दांतों की बीमारियों का अनुभवी दंत चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। पता याद रखें, रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा। जीवन में भरिए खुशियों के रंग, डॉक्टर्स की पूरी टीम है आपके संग। जी हाँ, डॉक्टर्स की पूरी टीम है आपके संग। खर्च कम सुविधा अधिक, रामा डेंटल हॉस्पिटल। जी हाँ, शहर का सबसे किफायती एवं विश्वसनीय दंत चिकित्सालय। निशुल्क मुंह एवं दांतों की बीमारियों का इलाज, वरिष्ठ एवं अनुभवी दंत चिकित्सकों की टीम द्वारा विश्व स्तरीय इलाज प्रदान किया जाता है। आज ही पंजीयन कराएं। पंजीकरण अवधि सीमित समय तक। विशेष जानकारी एवं सेवाओं के लिए संपर्क करें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा भोजपुर। विश्वविद्यालय के राधा कृष्ण हॉल में आयशा के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक बैठक आयोजित किया, जिसमें अपनी विभिन्न मांगों पर विचार विमर्श किए। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर विचार विमर्श करने को लेकर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक आयोजित किया, जिसमें विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा किए गए। आंख नहीं तो संसार नहीं। आंखों का संपूर्ण जांच आधुनिक मशीनों एवं कुशल डॉक्टरों के द्वारा कराने के लिए आपका अपना एसआर हॉस्पिटल, जहां उचित मूल्य पर साल भर फेको मशीन के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आंखों की पर्दा की फंडस फोटोग्राफी की आधुनिक मशीन, स्वच्छ एवं वातानुकूलित व्यवस्था के साथ ही वार्ड की भी सुविधा। संपूर्ण आंखों के इलाज के लिए संपर्क करें एसआर हॉस्पिटल, डीएम कोठी रोड, पीर बाबा मोड़ के पास, आरा। संपर्क नंबर है 06182248789। मोबाइल नंबर है 9065441442।
शादी विवाह के शुभ अवसर पर हॉलमार्क ज्वेलरी सोना चांदी के फैंसी गहनों के साथ आकर्षक साड़ियों के विक्रेता लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एवं साड़ी वाला जेल रोड मैना सुंदर धर्मशाला के पास आरा, जहां एक ही छत के नीचे अब गहनों के साथ कपड़े भी खरीदें। डायमंड ज्वेलरी एवं ब्रांडेड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन किए हुए गहनों की खरीदारी एकमात्र भव्य शोरूम में, जिसका नाम है लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एंड साड़ी वाला, जिसका पता है मैना सुंदर धर्मशाला के पास जेल रोड आरा। मैं तैनू समझावांगी ना तेरे बिना लगता जी। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10 विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा। बासु ITI NCVT DGET से मान्यता प्राप्त। आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2-व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4-व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत। इलेक्ट्रीशियन, हीटर, डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI कुल्हरिया आरा भोजपुर। मोबाइल नंबर 9430032301 9334192301। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स, आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने, चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के जेवर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता। हीरे के जेवरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स गोपाली चौक। के उज्जवल भविष्य के लिए अंत वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय महादेवा रोड आरा। बंधुओं कृपया ध्यान दें, रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा, जहां निशुल्क मुंह एवं दांतों की बीमारियों का अनुभवी दंत चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। पता याद रखें, रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा। जीवन में भरिए खुशियों के रंग, डॉक्टर्स की पूरी टीम है आपके संग। जी हाँ, डॉक्टर्स की पूरी टीम है आपके संग। खर्च कम, सुविधा अधिक, रामा डेंटल हॉस्पिटल। जी हाँ, शहर का सबसे किफायती एवं विश्वसनीय दंत चिकित्सालय। निशुल्क मुंह एवं दांतों की बीमारियों का इलाज। वरिष्ठ एवं अनुभवी दंत चिकित्सकों की टीम द्वारा विश्व स्तरीय इलाज प्रदान किया जाता है। आज ही पंजीयन कराएं। पंजीकरण अवधि सीमित समय तक। विशेष जानकारी एवं सेवाओं के लिए संपर्क करें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा भोजपुर। ब्रेक के बाद भोजपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री के प्रति युवाओं को आवाज विषय पर जगजीवन कॉलेज में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें आगत अतिथियों का स्वागत प्रधानाचार्य ने किया। उक्त विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं के बीच काफी ही यह चर्चित है। साथीगण, मित्रों, मेरा सब्जेक्ट जलवायु परिवर्तन पर। लगातार बढ़ती भौतिक प्रवृत्तियों से जीव और उसके निवास के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इसका प्रभाव सबसे अधिक एशिया महाद्वीप पर दिखाई देगा। शोध पत्रिका तक अपरक्षित हुए हैं। साल 1901 से लेकर 2018 तक में 2014 सबसे गर्म साल के रूप में देखा गया। भारत और अधिकांश विकासशील देशों का विश्वास है कि उच्च कोटि के
प्रायोगिकी उपलब्ध कराए बिना यदि जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कटौती करने पर भी बताए क्योंकि प्रोटोकॉल एवं उसके सिद्धांतों के लक्ष्यों के दायरे में ही आगे बढ़नी चाहिए। भारत ने हमेशा एक न्यायसंगत समता की परिकल्पना की है। भारत इस प्रमेय के स्वीकार नहीं कर सकता। विकसित देशों का कार्बन पड़ेगी विश्व समाज की भौतिकवादी सोच की देन है। इतना कहकर अपने बाड़ी को विराम करता हूँ। जय हिंद जय भारत। इंडियन स्टेट्स ग्लोबल नेटवर्क ऑन इकोनॉमिक डिफेंडर्स। आज के समय हम देख रहे हैं कि आर्थिक अपराध किस प्रकार बढ़ चुका है। आज हमारे देश में आर्थिक अपराध जगदीशपुर थाना के तेंदुई मोड़ पर टाटा से बक्सर जा रही बस की संतुलन बिगड़ जाने के कारण बस सड़क किनारे खाई में जा गिरी, जिसमें सवार दर्जन भर यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज जगदीशपुर रेफरल अस्पताल में कराया जा रहा है। संतोष फिर आइले संतोष के क्या हो बाद कहा बस उठा फीचे वाला है उठाओ सर ले बानी है जो उठाओ सब पूजा वाला सिकवा होई ए सारा छोड़ा सन उ सब छोड़ा पैसा कैसे अच्छा तेरे काफी बात है श्रीराम चलो ए विशाल चलो बनो चलो भोजपुर कलासी गई चलो चलो विधान चल भागल आड़ दिले भाई से अब देख आदमी भीड़ लगा दे अब गाड़ी लागल भी जाएंगे तो अब विदा कर हटावे जले अब का गाड़ी में हेला है ना कोई खोजे खेती गेटवा से बाहर निकला पैसा तो तारा हमने से आगे
ब्रेकर जो था ना, ब्रेकर पे ब्रेक नहीं ले रहा था वो, ट्रक चल रहा था, ट्रक को ओवरटेक कर रहा था। ये कहाँ घटना घटी है? ये टेनुनी, पता नहीं टेनुनी क्या था, टेनुनी मोड़ के पास। बस में कितने लोग सवार थे उस समय? बस में कम से कम 50-55 आदमी थे। कितने लोग घायल हुए? कम से कम 15-20 लगभग हुए, पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं चला इस कदर। जब ब्रेकर पे वो इस तरह उठाया, कम से कम मेरे कंधे तक उछाल मारा था उसके।